बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज किसी ने क्वेश्चन किया है कि रिडोटो टोकन किस टाइप का है। सबसे पहले रिडोटो टोकन की जो वेबसाइट देख लेते हैं दोस्तों। कैसीनो से रिलेटेड टोकन है, इसके अंदर बेट लगा सकते हैं और कैसीनो के अंदर गेम खेल सकते हैं। तो ये जो इकोसिस्टम है टोटली डिपेंड ऑन कैसीनो। आपको पता है कि कैसीनो का जो ट्रेंड है वो इस वक्त मार्केट में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लो कैप जो टोकन है उनके अंदर एडॉप्शन बनने के चांसेस हमेशा से ज्यादा रहते हैं। तो दोस्तों, रेडिटो टोकन के बारे में यहाँ पे अगर देखेंगे तो 5 मिलियन मार्केट कैप है। वैल्यूएशन जो है वो है 8 मिलियन के आसपास। अगर 24 का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखें तो $18,000 है केवल। सर्कुलेशन सप्लाई 317 मिलियन के आसपास है और टोटल जो सप्लाई है 500 मिलियन के आसपास है। दोस्तों, ये जो टोकन है लगातार नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे कैसीनो सपोर्ट, ई स्पोर्ट और यहाँ पे अपनी प्रोफाइल लॉगिन वगैरह, मतलब ये एक तरह से ये सेंट्रलाइज्ड है और लीडर बोर्ड है। यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है रिडोटो टोकन अर्न करने के लिए बेटिंग या इसके ऊपर गैम्बलिंग चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं ये जो टोकन है अभी 5 मिलियन के आसपास है। मैं समझता हूं कि ये मे भी थोड़ा सा और नीचे जाएगा और नीचे जाने के बाद अगर इसको बाइंग करेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। अभी 24 दिन के अंदर ये ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो चुका है वैसे ही, ठीक है। लेकिन जो गैम्बलिंग के टोकन है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसकी जो 24 आवर की ट्रेडिंग वॉल्यूम है केवल और केवल $18,000। देखो दोस्तों, टोकन जो होता है वो नाम से नहीं और काम से नहीं, अच्छी एक्सचेंजेस से भी होता है, उसका फर्क पड़ता है। तो अच्छी एक्सचेंज पे ये वाला टोकन अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। जैसे अभी कॉइन स्टोर के ऊपर है, कॉइन स्टोर एक बहुत बड़ी एक्सचेंज नहीं है, बहुत छोटी एक्सचेंज है। उसके बाद यूनी स्वैप V2 इथेरियम के ऊपर अवेलेबल है, कैन पैनकेक स्वैप के ऊपर जो है भी अवेलेबल है। और क्योंकि ये दो डेक्स है और ये जो एक्सचेंज है काफी छोटी है, तो हम ये देखते हैं कि मतलब इसके अंदर बहुत ही ज्यादा नीचे वैसे भी लो कैप है और अगर इसके अंदर बाइंग करनी है तो बहुत थोड़ा बाइंग करना, मैं मतलब बहुत ज्यादा बाइंग करने की इसमें बिल्कुल भी सलाह नहीं देता। हाँ, एक बड़ी एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है, अगर किसी को लेस रिस्क में जाना है तो इसके अंदर जरूरी नहीं है इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसमें 200 मिलियन भी अगर मार्केट कैप आ जाता है, तो 200 मिलियन या 250 मिलियन भी आ जाता है, तो 50 सेंट से ऊपर ये आराम से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 250 मिलियन है, बहुत ही इजीली बुल मार्केट में इस टाइप के टोकन्स में देखने को मिल सकता है। अगर आपने जो ये टोकन लेना है तो बड़े हिसाब किताब से बहुत ही छोटा अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्ट करना। दोस्तों, रिडोटो टोकन की जो एप्लीकेशन है वो भी मार्केट में आ सकती है। अगर इसकी टीम को देखो तो टीम जो है फाउंडर की जो पिक्चर्स वगैरह नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये समझ लेते हैं कि फाउंडर जो है डॉक्स्ड नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल एम्बेसडर यूनिट और 7200 होल्डर्स ऑलरेडी हैं, और जो एम्बेसडर फीचर्ड ऑन यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है काफी यूट्यूबर हैं, या क्रिप्टो बेंटर है, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो कुछ यूट्यूबर्स ने इसको प्रमोट किया है। प्रमोशन मे बी इसके अंदर हो सकती है क्योंकि बड़े बड़े जो यूट्यूबर है ये छोटे टोकन्स को इसीलिए पिक करते हैं कि कहीं ना कहीं वो लोग इनको प्रमोट करने के लिए बोलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये टोकन है जो प्रमोट किया हुआ हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट इस टोकन की जो अगर पार्टनरशिप देखी जाए तो चेनलिंक, अजूरो, कोइन स्टोर, साइबर फाई, रिफाइंड बेकरी स्वैप और जो काफी सारे इकोसिस्टम के साथ इसकी पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप में ये यूट्यूबर्स भी हैं, तो इसका मतलब यूट्यूबर्स के साथ भी इनकी पार्टनरशिप हुई है। और क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर इसके अंदर कभी किसी ने भी कुछ देखना है तो अपनी एक रिसर्च कर लें, और साथ के साथ अगर इन्वेस्ट करने का मन है तो बहुत ही कम अमाउंट इसके अंदर डालना, क्योंकि फ्यूचर में इस टाइप के जो प्रोटोकॉल है कितना चलते हैं कितना नहीं चलते हैं। और अगर इनकी अनाउंसमेंट के ऊपर ध्यान देते हो तो अच्छी एक्सचेंज अगर आ जाती है तो अच्छी एक्सचेंज होने से इनकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है, इनकी इमेज मार्केट में बढ़ सकती है। फिलहाल जो है इस टाइप के जो प्रोटोकॉल काफी मार्केट में है, लेकिन काफी यूट्यूबर्स इसको बैकअप करते हैं, मतलब यूट्यूबर्स ने इसको इसके वीडियो बनाए हैं, तो फ्यूचर में हो सकता है ये टोकन थोड़ा सा अच्छा करे। लेकिन फॉर नाउ रिडोटो टोकन क्या है ये मैंने आपको बता दिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।